बिहार में पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ ही अब कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने अपने जन्मदिन के मौके पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से अपने भतीजे व वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे के चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। गोपालगंज में गत वर्ष हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी मुकेश पांडे अन्य आरोपियों के साथ फिलहाल जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि मुकेश पांडे कुचायकोट सीट से विजयी जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के भतीजे हैं और वे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से सदस्य होने के साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं। इस बार पंचायत चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, लेकिन मुकेश पांडे अभी जेल के अंदर हैं। इसी कारणवश उनका प्रचार अभियान अब विधायक चाचा ने संभाल लिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्षेत्र संख्या 18 की जनता मुकेश पांडे पर कितना भरोसा जताती है। अपने जन्मदिन के मौके पर विधायक अमरेंद्र पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 हमारे लड़के श्री मुकेश पांडे जी जिला परिषद अध्यक्ष हैं और उनका यह कार्य क्षेत्र है। यहाँ से उन्होंने जिला परिषद चुनाव अच्छे वोटों से जीत दर्ज कराई थी। उसी संदर्भ में आज मैंने पहली बार बैठक बुलाई है जिसमें हमारे जो भी माताएं बहने बुजुर्ग समर्थक सारे लोग आए हुए हैं और चर्चा हुआ। रविवार से हर पंचायत वाइज एक टीम बनेगा और वे टीम काम करेगी, हर गांव में जाकर के लोग बात करेंगे और जो भी समस्या होगा हम लोग उसका निदान करने का काम करेंगे। जो अधूरा उनके द्वारा रह गया है फिर उसे पूरा करेंगे। वो 5 साल तो काम किए हैं, सबके बीच में रहा, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वह दवा की बात हो, शादी विवाह की बात हो, सब में सहयोग करते हैं। बहुत लोकप्रिय नेता है मुकेश पांडे, लोगों के बीचों में रहने का काम करता है, इसलिए आने वाले समय में यहाँ की जनता अच्छे वोटों से जिताने का काम करेगी। सर, अभी वो जेल में बंद हैं और अभी उनका तबीयत खराब है, फिर हम क्या करना है? अभी ठीक है, तबीयत ठीक है, आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, फिर आज जेल चले गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।